हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति तोशनीवाल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम कुछ बनाना नहीं सीखेंगे, बल्कि आज तक हमने जो जो वीडियोस बनाए, जो जो चीज़ें हमने बनाई है, जो जो हमने सीखी है, जो हमने एक दूसरे से सीखी है, मैं हमेशा कहती हूँ कि वी ऑल आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। आप लोग डिज़ाइन शेयर करते रहते हैं, अपना काम शेयर करते रहते हैं, मुझे भी आइडियाज़ आते रहते हैं और कुछ लोगों के डिज़ाइन मुझे इतने पसंद आते हैं कि मैं उन्हें बोलती हूँ कि ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी। तो वी ऑल आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। तो आज का जो हमारा वीडियो है, एक तो ये है कि आप अगर किसी चीज़ को अपना टाइम दे रहे हो, लाइक अगर आपने 10 मिनट भी आके मेरा वीडियो देखा, आधे घंटा भी आपने मेरा वीडियो देखा, तो उससे आपको कुछ फ़ायदा होना चाहिए। समय जो है सबसे कीमती होता है, और अगर किसी चीज़ को आप अपना टाइम दे रहे हो तो उसका कुछ आउटकम होना चाहिए। मैं मानती हूँ बहुत सी लेडीज़ एज ए हॉबी से कर रही है, वो घर के लिए कुछ बनाती है, उसमें उन्हें खुशी मिलती है, बहुत अच्छी बात है। मैंने जब शुरू किया था तो मैंने भी इसे एज ए हॉबी किया था। कैमरे के सामने तो मैं 4 साल से हूँ, लेकिन उससे पहले जो 10 साल मैं काम कर रही थी, लाइक छोटी मोटी चीज़ें जो भी आप बना रहे हैं, आप घर सजा रहे हैं, किसी को कुछ बनाकर गिफ्ट कर रहे हैं, तो मेरे लिए भी ये हॉबी ही था। और कोई भी चीज़ हो, हॉबी से या फिर आपकी पसंद से ही शुरू होती है, इस तरह की जो क्रिएटिव चीज़ें होती है वो आपकी पसंद से ही शुरू होती है। और आज के वीडियो में मुझे बहुत से रीटेक लेने पड़ेंगे मुझे इतना एक साथ बोलने की आदत नहीं है, तो ये जो है हैंडीक्राफ्ट, हैंडमेड की चीज़ें, या फिर ये जो गिफ्ट लेने देने का रिवाज है, आप कैसे इसे अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और बहुत से लेडीज़ ने किया भी है। लास्ट जो दिवाली थी अक्टूबर 2022 की, उसमें कितनी नई लेडीज़ ने मुझसे कांटेक्ट किया, तो मुझे भी पता चला कि लोग कितना कुछ करना चाहते हैं और कितना डिमांड है। एक्चुअल में आजकल शादी वगैरह हो, कोई भी फंक्शन हो, सब में गिफ्ट देने का रिवाज है। दिवाली हर घर का त्यौहार होता है, तो उसमें उस टाइम इतनी डिमांड रहती है। उस टाइम कितनी लेडीज़ ने शुरू भी किया अपना बिजनेस, और उनमें से बहुत सी लेडीज़ ऐसी थी जो रिटायर्ड थी, उनमें से बहुत सी लेडीज़ ऐसी थी जिनके बच्चे छोटे हैं, वो बाहर नहीं जा सकती, जॉब नहीं कर सकती, और इसलिए उन्हें ऐसा कुछ काम घर से चाहिए था जो वो अपने कम्फर्ट के हिसाब से कर सके। बहुत से NGOs ने कॉन्टेक्ट किया, और कुछ एक दो केस ऐसे भी आए जिनमें जो बच्चा था स्पेशल चाइल्ड था, और उन्होंने पूछा कि आपके पास ऐसा कुछ सिंपल सा डिज़ाइन है जो हमारा बच्चा कर सके, लाइक आपका वीडियो देखकर अगर वो कर सके। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत फील हुई कि कितना टैलेंट है लोगों में, समय भी है बहुत, और व्यस्तता के बाद भी, बहुत बिजी रहने के बाद भी बहुत सी लेडीज़ हैं जो करना चाहती हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं, अब अगर आप मेरे चैनल पे आते हैं, आप चैनल को विज़िट करते हैं, कोई कुछ सिखा रहा है और आप उसके चैनल को विज़िट करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही होती है कि आप सीखना चाहते हैं, इसलिए आप उस चैनल पे हैं, राइट? और सीख कर आपको उसका अपनी लाइफ को बेहतर करने में, अपने व्यवसाय को, अपना जो करियर है उसको बनाने में आपको ज़रूर उस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए जो आपको आती है, तो उसकी हम आज बात करेंगे। अभी देखिए, दो तरह की क्राफ्ट होती है, दो तरह का आर्ट होता है। एक तो होता है, जब मैंने स्टार्टिंग की थी, जब मैं घर पे ही कुछ कुछ बनाती रहती थी, तो मैं आउट ऑफ वेस्ट जो चीज़ें, लाइक न्यूज़पेपर हो गया, कुछ बचे हुए कपड़े हैं, ऐसी कुछ चीज़ें मैंने उनसे शुरुआत की थी। तो जब इन चीज़ों को आप बेचने जाते हैं तो लोगों को पता होता है ये न्यूज़पेपर से बनी हुई है, ये बचे हुए सामान से बनी हुई है, तो हालांकि उसमें आपकी बहुत मेहनत लगती है, आपने अच्छा भी बना दिया होगा, लेकिन उन चीज़ों की कीमत नहीं मिलती है, जो मैंने फील किया। लोगों को लगेगा न्यूज़पेपर ही तो लगा है, बचे हुए कपड़ों से ऐसा बना के आप सेल कर रहे हैं, तो उसकी नई कीमत मिलती है। दूसरा जो है, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, एक से बढ़कर एक आपको डिज़ाइंस मिल रहे हैं, और लोगों की इन सब डिज़ाइंस को देखते देखते लोगों की चॉइस भी ऐसी हो गई है कि उनको वैसा ही डिज़ाइन चाहिए। इसीलिए मैं बहुत से वीडियोस में बोलती रहती हूँ कि आप मुझे डिज़ाइन शेयर कीजिए, मेरे पास सामान हुआ तो सेम, नहीं तो सिमिलर मैं बना के दिखाऊंगी। तो इस केस में क्या होता है, आपको जो बड़े शहरों में मटेरियल मिल रहा है वो डिज़ाइंस आप इंटरनेट पर देख रहे हैं, और आपका जो क्लाइंट है, आपका जो कस्टमर है किसी छोटे गांव में, किसी ऐसी जगह पे जहां पे आपको इतना मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा, तो उनको वैसा डिज़ाइंस चाहिए। ऐसे में क्या दिक्कत आती है,
आप लोग मार्केट भी घूमते हैं, मटेरियल भी लाते हैं, लेकिन वो सेम नहीं बन पाता और ऐसे में कस्टमर टूटते हैं आपके। आप में से बहुत से लोगों ने, जब मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए, आप लोगों ने पसंद किए और मैसेज किया कि आप अच्छा सिखा रही है, हम बनाने का जब ट्राई करते हैं तो हमें सेम मटेरियल नहीं मिल पाता है और सेम वैसा नहीं बन पाता, वो कुछ और डिज़ाइन बन जाता है जो आपने सिखाया। ऐसे में क्या करें? तो कुछ लोगों ने कहा कि आप ही हमें सामान भेजिए, आप अपने लिए बाय करते हैं, हमारे लिए भी कर दीजिए। तो ऐसे इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद कुछ लोगों ने पूछा कि हमें अलग अलग, आपके पास से भी हमें अलग अलग चूज़ करना पड़ेगा कि आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कितना लीजिए इतना लीजिए। और इससे शुरुआत हुई हमारे DIY किट की। जो आप लोग रेगुलर है वो जानते हैं DIY किट क्या है, फुल फॉर्म इसका डू इट योरसेल्फ। जो जो वीडियोस मैं यहाँ पर बनाती हूँ YouTube पर, जो जो वीडियोस हैं, सबका तो नहीं, कुछ पुराने वीडियोस हो गए हैं उनका नहीं मटेरियल मिलेगा, बाकी जो नए वीडियोस हैं अभी, जो ट्रेंड में है वीडियोस अभी, अगर आप चैनल को देखें तो काफ़ी नए डिज़ाइंस हैं, तो उनके जो है आपको DIY किट मिल जाएंगे। DIY किट में क्या होता है कि जितना सामान लगा है उस पर्टिकुलर पीस को बनाने के लिए, उतना सब उस किट में रहता है। डिज़ाइन आपके सामने है और कैसे बनाना है वो आपको पता है, ओनली जो बात है वो मटेरियल पे आके रुक जाती है। ये जो किट है अभी तक हम इंडिया में ही सप्लाई कर रहे हैं, आप कहीं भी मंगवा लीजिए। वो मंगवा कर आप वीडियो देखकर स्टेप बाय स्टेप सेम वैसा पीस बना सकते हैं। एक पीस भी अगर आपको बनाना हो आपके घर के लिए, और इससे लोगों ने बिजनेस कैसे किया, तो कैसे शुरू किया कि आपके पास फोटो है जो आपका डिज़ाइन है, आप चाहे वीडियो से स्क्रीनशॉट लीजिए, आप नहीं तो व्हाट्सएप पे अगर मुझे मैसेज करते हैं तो वहाँ से आपको कैटलॉग से फ़ोटोज़ मिल जाती है, तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका जो सर्कल है वहाँ पे आप उसे फ़ोटो को सेंड कीजिए, मेरे पास ये डिज़ाइन है, आप साइज़ और उसका सबका वो डिस्क्रिप्शन में रहता है, डिटेल्स रहता है। तो लेडीज़ ने क्या किया, उन्होंने फ़ोटो ली अपने ग्रुप में, अपने सर्कल में, अपने स्टेटस पे उन्होंने शेयर की और उनसे उनको जो ऑर्डर आया उसके बाद उन्होंने DIY किट जो है वो ऑर्डर किया, हमने सप्लाई किया, उन्होंने बनाकर अपने कस्टमर को दिया। तो ये एक तरह की फैसिलिटी है कि आपको घूम घूम कर एक तो सामान नहीं इकट्ठा करना पड़ेगा, डिज़ाइन जो है वो आपके पास है और वैसा ही सेम बनेगा DIY किट से, तो कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन रहता है कि इन्होंने जो चीज़ दिखाई वही हमें दी है। और इस तरह से जो है आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। कस्टमर आपका जुड़ गया, उनको पता है आपके पास जो डिज़ाइन है सेम वैसा आप उन्हें दे सकते हैं, कस्टमाइज़ उसे कर सकते हैं, साइज़ लेंथ आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है बहुत से लेडीज़ ने अपना बिजनेस शुरू किया। एक और जो चीज़ है वो ये है कि हम अपने जो रेट्स हैं वो रिजनेबल रखने की कोशिश करते हैं। जो DIY के रेट्स होते हैं वो बहुत ही रिजनेबल होते हैं। अगर आप विजिट करेंगे तो आप देखेंगे स्क्रीन पर मेरे नंबर आ रहे हैं, वहाँ से आप कैटलॉग मांग सकते हैं, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इसके जो किट के रेट होते हैं बहुत ही रिजनेबल होते हैं और आपको जो बनाना है उसके मेहनत के पैसे आप जोड़ करो अपने कस्टमर को कोट कर सकते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट इतने रुपए का है, तो आपके पास भी कुछ बचेगा। आपको 100 रुपए का, 200 रुपए का, 300 रुपए का, 500 रुपए का, जितना मार्जिन रखता है, और डिपेंड करता है आपके कस्टमर किस रेट के हैं, डिपेंड करता है कि पैटर्न कैसा है। और एक और जो चीज़ है कि आजकल के जो बहुत प्रीमियम डिज़ाइंस आ रहे हैं उनके रेट्स भी बहुत हाई होते हैं, लोगों को पसंद वही आ रहे हैं लेकिन हर किसी का बजट उतना नहीं होता है। तो हम ट्राई करते हैं कि उन डिज़ाइंस को हम कॉपी करने की कोशिश करें, थोड़ी क्वालिटी कम हो जाएगी ऑब्वियस है, लेकिन उनको हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं बहुत कम रेट में, लगभग उनसे 3 गुना हमारी रेट कम हो जाती है उस डिज़ाइन की, तो उससे आपको और आपके कस्टमर को भी फायदा होता है। तोरण जो है, बंदरवाल जो है, वो हर घर के लिए होती है, कुछ एक लोगों के लिए नहीं होती है, और अगर जैसी उनकी पसंद है वैसे उनको मिल जाए बहुत रिजनेबल रेट में तो क्या कहने। उसके बाद दूसरी जो चीज़ आती है वो ये है कि आप अपने प्रोडक्ट सेल कहाँ पर करें, लाइक आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, स्टेटस में जितने लोग हैं उनको आपने कर दिया, लेकिन अगर आपको आपके कस्टमर्स बढ़ाने हो तो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसमें बहुत से ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सोशल मीडिया का आप अच्छा यूज़ कर सकते हैं, अगर आप जेन्युइनली कुछ काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कुछ काम कर रहे हैं, तो ये आपको बहुत ग्रोथ दे सकता है। इनिशियली हो सकता है लोग आप पर भरोसा ना करें, लेकिन धीरे धीरे जब आप एक ही फील्ड में जुड़े रहेंगे तो लोगों को पता लगेगा कि ये काम कर रही है और जेन्युइनली कर रही है। तो इस तरह से थोड़ा टाइम लगता है, स्लो ग्रोथ जो है अच्छी होती है, धीरे धीरे आप अपने काम को आगे बढ़ाइए, लेकिन डटे रहिए, काम करते रहिए।
तो ये जो है हमारा आज का था कि कैसे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस चैनल पे आप जो देखते हैं, जो सीखते हैं, आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं, अपने लाइफ में जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। जो आप सीख रहे हैं, जो डिज़ाइंस आपको पसंद आते हैं, वो आप बनाकर सेल कीजिए। इस तरह से घर बैठकर कुछ ना करने से अच्छा है कि आप कुछ करें, राइट? कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ करें, और वही फॉर्मूला को लेके चलिए और धीरे धीरे ग्रोथ होती जाती है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। और एक और चीज, इससे पहले आप बंद करें, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जिन जिन लोगों ने ये चैनल देखकर या फिर जिन जिन लोगों ने DIY किट मंगाकर और सेल किया है अपने कस्टमर्स को या बनाया है, प्लीज़ वो लोग जरूर मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, दूसरे लोग पढ़ सके उसे। मैसेज तो सिर्फ मुझे मिलेंगे, तो कमेंट जरूर कीजिए, लोगों को बताइए आपका एक्सपीरियंस, मोटिवेट कीजिए एक दूसरे को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।